नमस्कार, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं इकीगाई, जो एक जापानीज जीवन जीने का तरीका है। और वो तरीके से जापानी लोग जो जी रहे हैं, उससे वहां लाइफ एक्सपेक्टेंसी 100 साल के ऊपर है। बहुत लोगों की 100 इयर्स प्लस लोग जी रहे हैं। इकीगाई एक्चुअली किताब जो है ये लिखी गई है हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिक मिरालिस, ये लेखकों ने। और ऐसा बोला जाता है कि जापान का जो एक आइलैंड है ओकिनोवा, ये हेल्दीएस्ट प्लेस ऑन अर्थ है, कि जहां सबसे ज्यादा आरोग्यवान लोग, हेल्दीएस्ट लोग है ओकिनोवा में, और वो वहां रह रहे हैं और उनका लाइफ आयुष्यमान बहुत ज्यादा है। तो एक किताब जो लिखी है, तो एक किताब में स्टडी करके लिखा गया कि भाई इनमें क्या ऐसा है कि वो 100 साल के ऊपर जी रहे हैं, इतना कैसे क्या लाइफ है उनका, क्या करते क्या है। ये जो बुक है ये उसका सीक्रेट बताया गया कि 100 साल के ऊपर कैसा जीना। ये किताब की लाखों कॉपीज बेची गई, 57 भाषाओं में अलग अलग ये कॉपी बेची गई। हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर जब बॉम्बिंग हुआ और जब पूरा जापान उसमें खलास हो गया, लोगों को लगा कि जापान अभी उठेगा नहीं, मतलब जापान उठ सका ओनली बिकॉज ऑफ इकीगाई। ऐसा बोला जाता है कि जापान में ओगिमी नाम का जो विलेज है, वहां अप्रोक्सीमेटली 3000 लोग ऐसे हैं कि जो 100 साल के ऊपर जी रहे। और पूरे जापान में ये अर्थात आंकड़े जो ये पहले वाले है, 70,000 लोग ऐसे हैं कि जो 100 साल के ऊपर जी रहे। ऐसा एक जोक है जापान में, बोला जाता है कि जब आप 80 साल के होते हो तो आप एकदम एक नौजवान हो, जब आप 90 साल के होते हो और आपको आपके पूर्वज जो है वो ऊपर से बुला रहे हैं, तो उनको बोलो जरा रुको, अभी मुझे टाइम है, मुझे काम करने दो, डिस्टर्ब मत करो। और उनको बोलो कि भाई 100 साल तक रुको, मैं आऊंगा 100 साल के बाद, मतलब ऐसा एक बोला जाता है। तो इकीगाई जो है, ये इकीगाई है क्या? तो इकीगाई का मतलब होता है कि भाई सुबह उठने का कारण, इसका मतलब होता है सुबह उठने का कारण, पर्पज ऑफ लाइफ, कि आपको क्या पैशन है, आपको कौन सा पैशन सुबह जगाता है, और वो ऐसा पैशन कि जिसके वजह से आपको अलार्म नहीं लगाना पड़ता है, बिना अलार्म के आप उठ जाते हो और ऐसा जीते हो कि यार आज मुझे तो ये काम करना है, मजा आ गया, आज तो मजा करना है, आज तो मुझे ये काम करना है और बहुत मजा आने वाला है, ऐसा उठते हो आप। मतलब सुबह नींद खुलने के बाद ऐसा लगना चाहिए, अरे वाह आज तो बहुत बड़ा अच्छा दिन है मेरे लिए, और मैं क्या काम करूं, कौन सा काम करूं, और आज मेरे पास में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें करने वाली है, करने की, ऐसा लगना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया कि ओकिनोवा जो गांव है उसमें स्टडी किया, और वो स्टडी करने के बाद में उन्होंने ये निकाला कि भाई इकीगाई लोग अपनाते हैं और वैसा जीवन जीते हैं। तो इकीगाई यदि आप जीते हैं तो आपको रिटायरमेंट का ख्याल भी नहीं आएगा, तो उसके ऊपर प्यार कर रहे काम के ऊपर, आपको तो काम करने में बहुत मजा आ रहा है, आपको घर जाने का तो याद भी नहीं आएगा, कितना घंटे काम हो गया, घर कब जाने का है, कुछ भी नहीं है। और फिर जब मतलब टाइम का नहीं तो फिर थकान भी नहीं है, और थकान नहीं है तो फिर आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, बहुत अच्छा काम करेंगे तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो इसमें इकीगाई ढूंढना है, समझो फिर से, तो फिर इकीगाई आपको ढूंढना है, तो उसको इकीगाई अपनी ढूंढने, तो उसको चार तरीके, आसान तरीके। पहला तरीका है पैशन, आपका पैशन ढूंढो। तो पैशन मतलब क्या होता है? पैशन मतलब ये होता है कि आप वो काम करते हैं जो काम के ऊपर आप प्यार कर रहे हैं, और वो काम में आप एक्सपर्ट भी हो, आप स्किलफुल भी हो नंबर एक, और नंबर दो उसके ऊपर आप प्यार करते हैं, तो उसको बोलते हैं पैशन, कि आप पैशनेट है वो काम के लिए। नंबर दो आप ये देखो कि भाई आप एक्सपर्ट तो है, आप स्किलफुल तो है, और उससे आपको पैसे भी मिल रहे हैं, पैसे मिल रहे, तो फिर वो आपका बन सकता है प्रोफेशन। तो पहला हो गया पैशन, दूसरा हो गया प्रोफेशन, फिर तीसरा जो है कि आपको पैसे मिल रहे हैं और दुनिया को काम की जरूरत है, नहीं तो फायदा क्या है कि आपको पैसे मिल रहे हैं, लोगों को जरूरत ही नहीं वो काम की, जबरदस्ती कर रहे और लोगों से जबरदस्ती पैसे ले रहे। लोगों को जरूरत होनी चाहिए ना, ऐसा काम आपने ढूंढना चाहिए कि आपको काम में मजा भी आ रहा है, आप एक्सपर्ट भी है, मगर लोगों को जरूरत, आपको पैसा भी मिल सकता है, लोगों को जरूरत नहीं है। आप हिमालय में जाके बोलेंगे कि मुझे वहां रेफ्रिजरेटर बेचना है या एसी बेचना है, वहां जरूरत ही नहीं लोगों को। तो तीसरा हो गया, यदि आपको पैसे मिलते हैं
और दुनिया को आपके काम की जरूरत है, तो वो हो गया वोकेशन। और चौथा है मिशन। मिशन मतलब है कि भाई आप काम पर मोहब्बत कर रहे हैं, बहुत मोहब्बत कर रहे हैं, बहुत प्यार कर रहे हैं और लोगों को उसकी जरूरत भी है, तो वो हो गया मिशन। तो फिर इसमें चार कौन से पॉइंट हो गए। नंबर एक, क्या आप वो काम के ऊपर प्यार करते हैं, आपको बहुत आनंद आता है, नंबर एक। नंबर दो, लोगों को जरूरत है। नंबर तीन, आप उसमें एक्सपर्ट है, वो काम करने में बहुत स्किलफुल है। और नंबर चार, आपको उससे पैसे भी मिल रहे हैं। तो प्रोफेशन, पैशन, वोकेशन और मिशन, ये सब आपको हो रहा है तो आपका इकिगाई आपको मिल गया। तो ये चार यदि आपको मिल जाते हैं तो आपको इकिगाई ढूंढने में मदद हो जाती है। वो कैसा है कि आपने आग के ऊपर हाथ रखा है तो आप एक सेकंड भी रख नहीं पाओगे, आपका हाथ जल जाएगा, आप निकाल देंगे, सेकंड भी नहीं रुक सकेंगे क्योंकि वहां दर्द हो रहा है। और आपके प्रियतमा से बात कर रहे हैं, महबूबा से बात कर रहे हैं, घंटों तक बात कर रहे हो, आपको मालूम भी नहीं कि टाइम कैसा जा रहा है। तो वो काम कि जो काम के ऊपर आप बहुत मोहब्बत कर रहे हैं, एक पेंटर ऐसा पेंटिंग कर रहा है तो सब कुछ भूल जाता है और उसको पता ही नहीं है कि टाइम कितना हो गया, उसको बोलते हैं फ्लो में रहना। फ्लो में रहना, समय में बह जाते हैं। इकिगाई में ऐसा बोला जाता है कि आप ऐसा प्रोफेशन आप देखो कि आप उसके ऊपर प्यार कर रहे हैं, आपको पैसा भी मिल रहा है और आपको वक्त का पता ही नहीं चल रहा है। झाड़ू भी मारने वाला इतनी शिद्दत से झाड़ू मारेगा कि उसको लगेगा अरे यार पंतप्रधान भी यहां से गया ना, तो बोलेगा यार यहां का झाड़ू वाला कौन है, इतना प्यार मोहब्बत से झाड़ू मारेगा। या सब्जी उगाने वाला है तो इतना बेस्ट सब्जी उगाएगा कि भाई ऐसी सब्जी तो दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। तो जापान में क्या हो गया, जापान में लोगों ने अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बना दिया। आपने देखा बच्चों को खेलते हुए, बच्चे खेलते हैं तो इतने उसमें मशगूल हो जाते हैं, उनको मालूम ही नहीं क्या हो रहा है। तो देखो खेलते खेलते अकेले ही खेल रहा है बच्चा। अब देखो मैं आपको यहां एक वीडियो बताता हूं, ये देखिए वीडियो, ये देखो बच्चा मेरा पोता ही है, अपने इसमें मशगूल है। तो इकिगाई किताब में नंबर एक का पहला पॉइंट है कि आपकी इकिगाई ढूंढो, नंबर एक। नंबर दो, सुबह जल्दी उठो। मराठी में बोलते हैं कि लवकर निजे लवकर उठे तया ज्ञान संपत्ति भेटे, जल्दी सोना है जल्दी उठना है तो उसको ज्ञान और संपत्ति मिलती है। आप सुबह यदि उठते हैं तो आपका बहुत सारा काम हो जाता है क्योंकि लोग उठते नहीं हमारे यहां। आपकी हॉबी परस्यू कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप नई नई चीजें पढ़ सकते हैं, ज्ञान ले सकते हैं, नया कौशल्य प्राप्त कर सकते हैं, गार्डनिंग कर सकते हैं, और आप जो भी आपको करना है वो सब के लिए आप वक्त निकाल पाओगे। तो सुबह उठना बहुत जरूरी है, नंबर दो। नंबर तीन जो है बोलते हैं हाना हाकी। हाना हाकी ऐसा है कि उसमें 80% ही अपने पेट को भरना है, 20% नहीं भरने का। हम क्या करते हैं, बहुत सट खाते सट सोते और वहां से फिर मोटापा, बीमारियां, फिर जितना ज्यादा खाएंगे तो हम क्या करते हैं, जब हम पचन संस्था जो उसको बहुत ज्यादा काम पे लगा लेते, वो काम पे लग गए तो इधर नींद आना चालू हो जाती है, सुस्त आ जाती है। तो हरदम पेट खाली रखो, उतना ही खाओ जितनी जरूरत है, 80% खाओ, उससे भी कम खा सकते। मक्वाटो सुजुकी ये हार्ट स्पेशलिस्ट थे और उन्होंने ओकिनावा जो है अभी मैंने जिक्र किया, वहां के जो विलेज के लोग थे उनकी स्टडी की खाने की, तो उनको मालूम पड़ा कि वहां 206 तरह की अलग अलग डिशेस बनती है और वहां मेजॉरिटी डिशेस में हर्ब्स, सब्जी और फ्रूट्स वो रहते हैं, और कम से कम दिन भर में 5 सर्विंग्स वो फ्रूट्स और सलाद की लेते हैं। और ऐसा बोला जाता है कि रेनबो कलर जो है इंद्रधनुष, इसमें जैसे 7 कलर होते हैं तो 7 अलग अलग कलर के सलाद या फ्रूट्स आपने खाना चाहिए रोज। वहां जापान में राइस जो है वो एकदम कम खाते हैं, वहां की जो रिक्वायरमेंट है वो 50% से कम है राइस की, और शुगर जो है उसकी भी रिक्वायरमेंट 60% कम है। वहां स्वीट पोटैटो लोग खाते हैं। अब देखो आप मीठा नहीं खाएंगे, राइस नहीं खाएंगे,
5 सर्विंग सलाद की खाएंगे, एक्सरसाइज सवेरे उठ के करते हैं, तो फिर देखो कैसी हालत रहेंगी। तो मीठा नहीं खाना, और नंबर दो छोटे छोटे बर्तनों में खाना। बहुत बड़ा रहा बर्तन तो लगता है कि बहुत ज्यादा सर्विंग हुआ, छोटा बर्तन रहा तो फुला रहता है, पैक रहता है, और छोटे बर्तन को भी छेद रहे नीचे, जिससे कि वो जो फ्लूइड है वो निकल जाएगा, या पतला जो भी है निकल जाएगा। खाना खाएंगे भी तो उसमें सब्जी ज्यादा है, दाल ज्यादा है, प्रोटीन्स ज्यादा है, कार्ब्स भी वो लोग ज्यादा खाते हैं, ऐसा कुछ नहीं कार्ब में, कार्ब भी ज्यादा है, तो ऐसा पूरा खाना खाते हैं, मगर 80%। तो ये हो गया तीसरा है हानाहाकी। चौथा है मोरिटा थेरेपी। ये क्या होता है मोरिटा थेरेपी? मोरिटा थेरेपी मतलब ये है कि एक्सेप्टिंग द थिंग्स एज दे आर, वो जैसा है वैसा है, और जैसा नहीं है वैसा नहीं है, उसका स्वीकार करो, एक्सेप्ट करो, जो भी है उसको स्वीकार करो। रोके क्या करेंगे, नया सीखो, नया करो। क्या होता है कि हम बुढ़े इसलिए हो जाते हैं कि हम नया सीखना और नया करना बंद कर देते हैं, और जब नया सीखना नया करना बंद कर दे तो ब्रेन एक्टिव नहीं रहता। बोलते कि आप चेस खेलो, चेस में दिमाग लगाना पड़ता है, चेस में एंटिसिपेट करना पड़ता है कि आगे की कौन सी चाल आगे वाला करने वाला है। तो क्या है कि एक बार ब्रेन को यदि आपने रूटीन की आदत लगा दिया, रोज वही करना है, तो ब्रेन को ही ना एक्टिव होना पड़ता है, फिर जरूरत है एक्टिव रहने की, जल्दी बूढ़े हो जाते। मोरिटा थेरेपी में चार फेजेस है, 4 फेजेस। पहला है कि आप 4 से 7 दिन पूरा रिलैक्स हो जाओ, फर्स्ट फेज रिलैक्स, बेड पर से उठना ही नहीं, सिर्फ सोना है, नो फोन्स, नो टीवी, नो मोबाइल, कम्युनिकेशन कुछ नहीं है, कम से कम बातचीत, सिर्फ लैट्रिन बाथरूम जाना, खाना खाना, आराम करना, 4 से 7 दिन पहली फेज। इसमें आप पूरा बॉडी एंड माइंड रिलैक्स हो जाता है, ये बीच बीच में करते रहते हैं लोग। नंबर दो, वॉकिंग करना और ब्रीदिंग करना, हल्के हल्के लाइट वर्क करना और मेडिटेशन करना, फिर 3 से 7 दिन, मतलब 1 हफ्ता। पहली फेज 7 दिन बेड पर से उठना ही नहीं, दूसरे 7 दिन बेड पर से उठना, घर के घर में अंदर ही कुछ तो भी लाइट वर्क करना, लाइट वर्क करना, मेडिटेशन करना, ध्यान करना। तीसरी जो फेज है वो है, तीसरी फेज वो भी 1 हफ्ते की है, वो है क्रिएटिविटी करना, प्रोडक्टिविटी करना, कुछ तो भी नया सीखना, और माइंड को एंगेज रखना, राइटिंग करो, पेंटिंग करो, कार्विंग करो, कुछ भी नया सीखो, और वो भी घर में। तो क्रिएटिविटी तीसरी फेज। चौथी जो है वो है कि रोज नए सोच के साथ में जियो, सवेरे उठो तो नए सोच के साथ में उठो, और री इंट्रोड्यूस टू द सोसाइटी, सोसाइटी में जाओ 2 हफ्ते तक, लोगों से मिलो, अच्छी फिजिकल एक्टिविटी करो, लोगों से बातचीत करो, लोगों से आप दुखी हुए हैं तो वो लोगों को जाके माफी मांगो, फॉरगिव एंड फॉरगेट, चलो माफ कर दे यार, खुन्नस नहीं रखने का, चलो छोड़ो, और गिल्ट में नहीं रहने का, मैंने ये गलती किया, मैंने ये अपराध बोध की भावना, ऐसा कुछ भी नहीं है, एकदम रिलैक्स। रोज नया दिन जब उठते हैं तो नया दिन स्टार्ट करो एकदम एंथुजियाज्म से, फॉरगिव एंड फॉरगेट, नो गिल्ट, एक नया दिन खुला है, आज अपना जन्म हुआ है, ऐसा जीना। तो ये चौथी फेज। और पांचवी जो है, पांचवा जो उसका पॉइंट है वो है रेडियो टैसो। रेडियो टैसो क्या होता है? रेडियो टैसो होता है कि हमेशा बॉडी को मूवमेंट में रखो, एक जगह मत बैठो, चलते फिरते रहियो। जापान में पिछले 50 साल से काम शुरू करने के पहले कोई भी ऑफिस में एक हल्का फुल्का म्यूजिक लगाते हैं, और म्यूजिक लगा के उसके ऊपर डांस करते हैं, हिलते डुलते हैं और मजा करते हैं, और वो जापान कंपनी है उसमें भी करते हैं। ये जापानी लोग यदि बाहर है कोई और देश में तो वहां भी ये लोग करते हैं। बात ये नहीं कि आपको जिम जाके बॉडी बिल्डिंग करना है, वो बात नहीं बात कर रहा हूं मैं, बात ये की गई है इसमें कि आपको बॉडी को मूवमेंट में रखना है। क्या है कि बॉडी को आप मूवमेंट में रखते हो और हर से 1 घंटा 1.5 घंटे बाद 2 घंटे बाद में उठो, फिरो, घूमो फिरो इधर थोड़ा सा हल्का फुल्का, तो एक जगह बैठने से वजन बढ़ जाता है, ज्यादा बीमारियां होती है। तो हरदम मूवमेंट में रखो, जो काम आप खड़े रह के कर सकते हो तो खड़े रह के करो, बैठो मत। तो मूवमेंट में रखना और नहीं बैठना, नंबर दो। फिर नेक्स्ट जो है इसमें वो है डॉक्टर शिकाकी हिनोहारा। ये 105 साल जी, 105 साल, और आखिरी तक वो पेशेंट को तपासते थे, जांच करते थे, ट्रीटमेंट देते थे। तो ये काय की वजह से,
इकिगाई की वजह से। उन्होंने लिखा है कि भाई इकिगाई की वजह से मैं ये करता हूं, वे कर पाया, अभी वो नहीं रहे। इकिगाई में बोला है कि भाई परफेक्शन के पीछे मत दौड़ो, इम्परफेक्शन इज ओके, 80% परफेक्शन इज फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहां लाइफ एंड डेथ का सवाल नहीं है वहां 80% इज ऑल राइट। एक टूटा हुआ कप भी है वो भी परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो भी अच्छा दिखता है। और ये जो है इम्परफेक्ट चीज उसको बोलते बाबी सा भी कहते हो। सो एक्सेप्ट करो द थिंग्स दे आर एंड द थिंग्स दे आर नॉट, जैसे है वैसे है और जैसे नहीं है वैसे है, उनका स्वीकार करो। परफेक्शन की खोज में भटक कर अपना समय बर्बाद ना करो। तो अपना इकिगाई ढूंढना है और इकिगाई के साथ में 5 पॉइंट में रिपीट कर रहा हूं। नंबर 1 आपका पैशन ढूंढो और इकिगाई ढूंढो, पर्पस ऑफ लाइफ। नंबर 2 सुबह उठो। नंबर 3 डाइट के बारे में बोला है, हा ना हा की। नंबर 4 मॉनिटोथेरेपी। नंबर 5 रेडियोटाइसो। ये आप करते हैं तो डेफिनेटली आपका जीवन जो है वो एक संतुलित जीवन हो जाएगा। और जीवन के सभी क्षेत्र में आप बैलेंस्ड जब जीवन जीते हैं तो आपकी बॉडी 100 साल के ऊपर भी बराबर आपको चलाते आएंगे। थैंक यू वेरी मच। वीडियो आपको लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।